नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ अनुभा सिंह। मध्य प्रदेश में इस समय कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जारी है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कमलनाथ कथावाचक प्रदीप मिश्रा से कहते नजर आ रहे हैं कि हम तो 7 दिन से मर रहे हैं। पहले आप ये पूरा वीडियो देखिए। हम तो 7 दिन से मर रहे हैं। सुबह 6 बजे दो प्रिंसिपल बोले कि एक है कि 24 किलोमीटर से कम मैं नहीं चलूंगा, ठीक है, इस ये प्रोग्राम में आना चाहिए। तब मैं महाकाल जाऊंगा, मामा और ओंकारेश्वर, ये 3 जोड़ देना और 24 किलोमीटर कर देना। इस सिद्धांत पर आप चलो। तो आज हम प्रज्ञानंद जी के पास गए, आप बता दें ये बात कमलनाथ ने कथावाचक प्रदीप मिश्रा से मुलाकात के दौरान कही। वहीं अब बीजेपी इस वीडियो को लेकर कमलनाथ पर निशाना साध रही है। बता दें इन दिनों इंदौर में मशहूर कथावाचक प्रदीप मिश्रा की कथा चल रही है। जब यहां से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गुजर रही थी, तभी कमलनाथ प्रदीप मिश्रा से मिलने पहुंचे थे। कमलनाथ ने प्रदीप मिश्रा से काफी देर तक बातचीत की। बातचीत के दौरान कमलनाथ ने प्रदीप मिश्रा से बताया कि भारत जोड़ो यात्रा को मध्य प्रदेश से गुजरने के लिए राहुल गांधी ने प्रतिदिन कम से कम 24 किलोमीटर यात्रा करने की बात कही थी। कमलनाथ की ये बात सुनकर कथावाचक प्रदीप मिश्रा हैरान रह गए। प्रदीप मिश्रा कहते हैं कि 24 किलोमीटर तो बहुत होता है। इस पर कमलनाथ ने कहा कि हमसे पूछो, हम तो 7 दिन से मर रहे हैं। कमलनाथ का ये बयान सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कमलनाथ के साथ उनके बेटे और कांग्रेस सांसद नकुल नाथ भी नजर आए। वीडियो को लेकर बीजेपी अब कमलनाथ पर लगातार हमलावर है। बीजेपी के प्रदेश मंत्री राहुल कोठारी ने ट्वीट कर कमलनाथ पर निशाना साधा है। राहुल कोठारी लिखते हैं कि हम तो 7 दिन से मर रहे थे, किसने कहा इस बुढ़ापे में मरने को, वो कमल बुलाता है और आप दौड़ लगा देते हैं, इनको आराम करने दो अब। तो वहीं प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी कमलनाथ पर तंज कसते हुए नजर आए। नरोत्तम मिश्रा कहते हैं कि राहुल गांधी अपने इस इवेंट में शारीरिक रूप से अस्वस्थ लोगों को जबरन शामिल ना करें, नहीं तो आपका इवेंट किसी को नुकसान पहुंचा देगा। माननीय कमलनाथ जी, मैंने आपका वीडियो देखा जिसमें आप कह रहे हैं कि हम 7 दिन से मर रहे हैं। मैंने ये भी सुना कि कैसे उन्होंने अपनी शर्तों पे प्रोग्राम में टंटिया मामा के यहाँ, बाबा महाकाल के यहाँ, अन्य जगह जाने के लिए आपसे जुड़वाया। पीड़ा स्वाभाविक है आपकी, इससे उनका धार्मिक और जनजाति के प्रति जो पाखंड है वो भी स्पष्ट आपकी जुबानी हो रहा है। मैं राहुल गांधी जी से भी प्रार्थना करूंगा कि जो लोग शारीरिक रूप से अगर अस्वस्थ हैं तो उनको ऐसे जबरदस्ती न चलाएं कि उनको मरने तक की बात करनी पड़े। आपका इवेंट कहीं किसी के लिए नुकसानदायक न हो जाए। बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 23 नवंबर को मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से शुरू हुई थी और 4 दिसंबर को राजस्थान में एंट्री लेगी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। साथ ही हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।